देवघर के टावर चौक के समीप भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने रामेश्वर उरांव का पुतला दहन किया। इससे पहले दर्जनों की संख्या में एकजुट होकर महिला मोर्चा ने हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के नारे लगाए, इसके बाद अपना विरोध दर्ज करते हुए पुतला दहन किया। बात करने के दौरान प्रदेश कार्य समिति सदस्य रीता चौरसिया ने कहा कि कांग्रेस कार्यालय के समीप कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का मुंह बंद किया, इससे साफ जाहिर होता है कि वर्तमान सरकार के समय में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। यह सरकार पूरी तरह से महिला विरोधी सरकार है। देवघर से अवनीश की रिपोर्ट। रांची में उस दिन कांग्रेस मुख्यालय पर हम लोग का धरना प्रदर्शन हो रहा था। वहाँ कांग्रेस के पदाधिकारी ने हमारी प्रदेश अध्यक्षा का मुंह बंद किया और मुंह बंद करने के लिए वो अत्याचारी पूर्वक उनको आदेश दे रहे थे। यह हम महिलाएं सहन नहीं कर सकते हैं, ना हमारी पार्टी सहन कर सकती है। अगर वो अपनी बातों के लिए माफी नहीं मांगते हैं तो हम लोग सदन से सड़क से सदन तक चले जाएंगे। तो आपकी मांग क्या है? हम लोग मांग कर रहे हैं कि उन्होंने जो यह दुर्व्यवहार किया है उसके लिए वो माफी मांगे और हमारी महिलाओं के सम्मान में वो कुछ बात। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा देवघर की बहने काबर चौक पर रामेश्वर उरांव जी का पुतला दहन किया है। हमारी प्रदेश अध्यक्षा आदरणीय आरती कुजूर बहन जो विरोध प्रदर्शन कर रही थी और शांतिपूर्ण तरीके से वो रांची कांग्रेस के मुख्यालय के पास अपना विरोध प्रदर्शन जता रही थी और उसने वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है आलोक दुबे जी उनका मुंह बंद किए। ये लोकतंत्र है, बोलने की आज़ादी सभी को है और उसमें उनका मुंह बंद किया गया। इससे साफ ही हो रहा है कि कैसा महिला विरोधी है। पहले ट्रैक्टर खिंचवाता है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को और उसके बाद जब हम अपनी बात रखते हैं, महिलाएं अपनी बात रख रही है तो उसका मुंह दबा जा रहा है। इसलिए हम लोग रामेश्वर उरांव जी का पुतला दहन किए हैं कि वो हम लोग से माफी मांगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।